हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कि वीवो का मोबाइल जो कि डेड है और ये कई दिनों से बंद है। मोबाइल ग्राहक का कहना है चालू ही नहीं हो रहा है और इसको हम खोल कर रखे हैं। क्या प्रॉब्लम है एक बार चेक करते हैं इसको। ये वीवो का मॉडल नंबर है वीवो Y91। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको चेक करते हैं। इसमें प्रॉब्लम तो मैं चेक कर लिया हूँ, एक बार आपको दिखाने के लिए चेक कर लेता हूँ। इसका प्रॉब्लम है ये फुल शॉर्ट है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। मेरा दोस्तों देखो प्लस पॉइंट भी शॉर्ट बता रहा है और ग्राउंड टू ग्राउंड भी है। ठीक है दोस्तों, ये मोबाइल फुल शॉर्ट है। आज हम इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे शॉर्टिंग को हटाया जाता है। ठीक दोस्तों, वीडियो में बने रहें, आपको पूरा जानकारी मिलेगा कैसे एंड्रॉयड फ़ोन का फुल शॉर्ट कैसे हटाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार डीसी मशीन में भी देख लेते हैं कि शॉर्ट इसमें क्या बता रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार डीसी मशीन में भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या दिखा रहा है। मेरा देखो दोस्तों फुल शॉर्ट दिखा रहे, इसमें 3.00 आ रहा है। ठीक है, और एक केबल को निकाल देते हो तो 0 हो जा रहा है। ठीक है, और इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर गर्म थोड़ी ना हो रहा है। बोर्ड को निकाल लेते हैं पहले और इसको लगाकर कनेक्टर को चेक करते हैं कहीं पे गरम तो हीट तो नहीं हो रहा है। कहीं पे भी पता नहीं चल रहा है हीट होने का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें रोजिन पेस्ट लगाएंगे, उससे देखते हैं कि कहीं पे गरम हो रहा है कि नहीं। कोई कैपेसिटर शॉर्ट होगा इसलिए साउंड बता रहे हैं मोबाइल। तो सभी जगह हम ये जो एरिया दिख रहा है वो नेटवर्क सेक्शन है। यहाँ पे क्या है, कई कैपेसिटर भी ग्राउंड ही बताता है दोनों साइड से। ठीक है, हम पूरी सभी जगह तो रोजिन पेस्ट लगा लिए हैं। एक बार डीसी मशीन में अब चेक करते हैं कहीं पर गर्म थोड़ी हो रहा है। इसमें कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है। एक चीज गौर करना, ये वाला कैपेसिटर है ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, नेटवर्क के सेक्शन के बगल में है। इन सब से डिफरेंस थोड़ा सही लग रहा है, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ये होगा अलग से। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी उसके बाद कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं पर शॉर्ट भी है करके। ठीक है दोस्तों, एक बार पीछे साइड देख लेते हैं। पीछे साइड में भी कोई हलचल नहीं हो रहा है।
कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है। तो पहले हम ये कर लेते हैं, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है ये नेटवर्क आईसी के बगल में है, यही वाला को एक बार निकाल कर देखते हैं। ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है सभी कैपेसिटर से, तो एक बार निकाल लेते हैं। निकाल लिए हैं, एक बार मीटर में चेक करते हैं कि शॉर्टिंग हटा कि नहीं। ये रहा दोस्तों, देखो हमारा वही कैपेसिटर शॉर्ट था। ये रहा ग्राउंड और ये रहा प्लस पॉइंट। ठीक है, अभी ये क्या हो रहा था, फुल शॉर्ट बता रहा था, अभी ये शॉर्टिंग हट गया है। ठीक है दोस्तों, ये रहा। और एक बार इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है इसमें। हाँ ये आ रहा है, एक बार आया कंटिन्यूटी, उसके बाद नहीं आ रहा है। ये शायद खराब है इसलिए। ठीक दोस्तों, हमारा शॉर्टिंग तो हट गया है, एक बार ऑन करके देखते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं। बैटरी लगा लेते हैं। लग गया हमारा बैटरी भी, और एक बार ऑन करते हैं इसको। दोस्तों हमारा मोबाइल तो ऑन हो गया है, वाइब्रेट हुआ है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। एक बार डीसी मशीन में आपको दिखाते हैं, ऐसे पता नहीं चल रहा है। तो डीसी मशीन में देख लेते हैं, ये लग गया हमारा ये। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 00 आ रहा है डीसी मशीन, और इसको ऑन करते हैं। मीटर में ध्यान देना, देखो दोस्तों मोबाइल ऑन हो गया, 100 से ऊपर रीडिंग जा रहा है, लेकिन डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। हमारा मोबाइल ओके हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे जो नेटवर्क सेक्शन में, एक बार इसको साफ कर लेते हैं। ये वीवो का Y91 मॉडल है, जो कि पूरा डेट था फुल शॉर्ट। और इसका ये जो आईसी दिख रहा है नेटवर्क, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है कौन सा है। तो
ये ऐसी है ना नेटवर्क के बगल में जो कैपेसिटर लगा था वही सार था, लेकिन ऐसा सार था कि वो पता भी नहीं चल रहा था, ना हीट नहीं हो रहा था ना कुछ नहीं। तो इसमें रोजिन पेस्ट किए ना तो एक हाईलाइट हुआ पूरा सेक्शन में, सभी जगह नहीं होकर एक ही जगह ये वाला कैपेसिटर था जो निकाले हैं वही बस हाईलाइट हुआ है इसमें, तो उसको निकाल दिए तो हमारा मोबाइल जो शॉर्ट था वो ओके हो गया और मोबाइल चालू भी हो गया, लेकिन डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दोस्तों, और हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि नया नया वीडियो आता रहेगा तो आप सबसे पहले आपको पता चलेगा। ठीक दोस्तों, ओके।